अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये सैम्पल पेपर है 2020 पीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। इसमें हम इन सारे टॉपिक्स को 20 एमसीक्यू में कवर करेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, मैकेनिक्स, ग्रुप थ्योरी, ये सारे टॉपिक, ये 20 ही टॉपिक हैं और इन सब के ये स्टैंडर्ड एमसीक्यू हैं। सिर्फ 20 एमसीक्यू में क्विक रिव्यू इनका करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक से है, एफएससी लेवल का। आपको साइन 2 थीटा माइनस कोसाइन थीटा इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है और पीरियड है 0 से 2 पाई तक। सो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो सारी टर्म्स एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। सो यहाँ पे साइन है और कोसाइन है, तो हम साइन 2 थीटा को डबल एंगल फार्मूले से इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम दो फैक्टर बना सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा कॉमन आ सकता है। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखें तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। पहले फैक्टर से हमें ये बन गया साइन इनवर्स हाफ, और दूसरे फैक्टर से हमारे पास कॉस इनवर्स 0 बन गया। साइन इनवर्स हाफ पाई बाय 6 के इक्वल है और कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2 के इक्वल है। हमें 0 से 2 पाई तक सोल्यूशन ढूंढने हैं, तो हम पीरियड ऐड कर देते हैं, पाई ऐड करें तो हमें एक सोल्यूशन और मिल जाएगा। ये 5 पाई बाय 6, ये भी 2 पाई तक ही है, और यहाँ से 3 पाई बाय 2। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये लीनियर अलजेब्रा का है। हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी डिमेंशन है 3x3, उसका डिटर्मिनेंट हमें गिवन है ए का, और बी भी 3x3 का ऑर्डर है, उसका डिटर्मिनेंट 4 गिवन है। अब हमें ये डिटर्मिनेंट का स्केयर चाहिए और इनसाइड मैट्रिक्स है 2ab। इसके लिए डिटर्मिनेंट का फार्मूला हमें पता है, प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, और इसमें हमने ऑर्डर को भी देखने को, क्योंकि हमारे पास 2ab है। अब 2ab स्केयर को इन चार मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है। 2 स्केलर है, उसको किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर लें। 2a दो दफ़ा लिखें और b का डिटर्मिनेंट 2 दफ़ा। अब 2a जो है, क्योंकि हर रो से 2 मल्टीप्लाई होगा और ऑर्डर 3x3 है, सो इसके अकॉर्डिंग जो 2a का डिटर्मिनेंट है उसमें हमें 2 की पावर 3 और a3 का डिटर्मिनेंट है वो लिखना पड़ेगा, और b का डिटर्मिनेंट 4 है। इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लें, ये बड़ा नंबर है, ये 9216 आएगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये सवाल है प्रोबेबिलिटी से। अ पेयर ऑफ अ फेयर डाइस इज थ्रोन एंड वन डाई शोज अ नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर डाई शोज नंबर 5। सो हमें पहले पूरी सैंपल स्पेस चाहिए और सारे पॉसिबल आउटकम चाहिए। सो दो डाइस हैं तो 6x6 36 बनेंगे, ये सारे आउटकम्स आएंगे, टोटल 36 आउटकम्स आ गए। अब इसमें जो फेवरेबल हैं कि एक पे 4 आए, दूसरे पे 5 आए, सो इसको अगर देखें वो दो ही हैं फेवरेबल आउटकम्स हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और वो है 4, 5 और 5, 4। सो प्रोबेबिलिटी सिंपल है, फेवरेबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आंसर हमारे पास 1/18 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी है। अगेन ये डिस्क्रीट मैथ का सवाल है। द स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी अब्सर्डिटी कंटीजेंसी। टॉटोलॉजी होती है कि ट्रूथ टेबल में सारे ही आंसर ट्रू हो, अब्सर्डिटी होती है सारे आंसर फाल्स हो, और कंटीजेंसी होती है मिक्स हो, कम अज कम एक ट्रू हो, कम अज कम एक फाल्स हो। ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हैं। सो ट्रूथ टेबल सिंपल है, दो स्टेटमेंट है तो हमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स पी के लिए हो गया, और क्यू के लिए हम ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। नेगेशन ऑफ पी थर्ड कॉलम जो है वो उलट जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू है, उसमें अगर आंसर जो है वो फॉल्स हो और पी स्टेटमेंट ट्रू हो तो तभी फॉल्स आता है, तो सेकेंड रो में फॉल्स आ गया। अब इन इस स्टेटमेंट का नेगेशन ऑफ पी के साथ अगर एंड लें तो हमारे पास ये बनता है। सो इसमें ना ये टॉटोलॉजी है ना अब्सर्डिटी है, ये कंटीजेंसी है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये कैलकुलस का सवाल है, सिंपल है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमें इस पॉइंट को देखना है मैक्सिमम है मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं, इजी है। सेकंड डेरिवेटिव हमने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, उसको 0 के इक्वल रखा, सो हमें पहले क्रिटिकल नंबर देखना है। सो 0 क्रिटिकल नंबर है, सो इसको अब हमने चेक करना है। इसको सेकंड डेरिवेटिव से ही चेक कर लेते हैं, आसान है। सेकंड डेरिवेटिव में प्लग करें सो हमारे पास नो इन्फॉर्मेशन आ गई, सो सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया,
सो अब हम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव से जज कर लेंगे कि इस नंबर से पहले और बाद में हमारे पास क्या बिहेवियर है। एक नंबर माइनस इन्फिनिटी से जीरो से सिलेक्ट करें, इस रीजन से कोई भी रैंडम नंबर माइनस वन, उसको सेकंड डेरिवेटिव में प्लग करें। सो हमारे पास कनकेव डाउन आ गया। सो हम कनकेविटी से चेक कर रहे हैं, नेगेटिव आ गया। और इस नंबर एक नंबर हमने जीरो से इन्फिनिटी तक लिया वन, उसमें कनकेव आ गया। और अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट से पहले और बाद में कनकेविटी चेंज हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। सो ये ऑप्शन सी फिर करेक्ट आंसर है। अब ये सवाल है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। हमारे पास जीरो की पावर जीरो लिमिट है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसके लिए हमें नेचुरल लॉगरिथम चाहिए होता है। हम नेचुरल लॉगरिथम को यूज करेंगे, दोनों साइड पर नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई कर दें। नेचुरल लॉगरिथम लिमिट से इंटरचेंज हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी से हमारे पास साइन एक्स लेन एक्स आ गया। अब ये हमारे पास जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अब जीरो इंटू इन्फिनिटी को हमने या तो जीरो ओवर जीरो बनाना है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनाना है, कोई एक बनाना है। हम इसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बना लेते हैं। इस तरह साइन एक्स सेकेंड डिनोमिनेटर में चला गया। सो हम एल ऑर्बिटर रूल अब यूज कर सकते हैं। एल ऑर्बिटर रूल यूज करने से डेरिवेटिव लेन एक्स का वन ओवर एक्स और डिनोमिनेटर वन ओवर साइन एक्स का, हमारे पास माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। इसको सिंपल कर लें। सिंपल करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना और इसको अगर देखें तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म है। अब हमारे पास जीरो ओवर जीरो फॉर्म पे भी एल हॉपिटर रूल लगा सकते हैं। एल हॉपिटर रूल लगाने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये नॉर्म और जीरो ओवर जीरो है, इसको अगर प्लग करें तो ये आंसर जीरो आ रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड पे लेन वाई है, जीरो हमारा आंसर नहीं है। लेन दूसरी साइड पे जाएगा, एक पावर जीरो बनेगा और फाइनल आंसर वन बनेगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है। हमारे पास सीक्वेंस है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने देखना है। हमें पता है हम पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देख सकते हैं। या हमें एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट लगाना होता है या एब्सोल्यूट रूट टेस्ट लगाना होता है। इसमें थ्री ही केस होते हैं। सो हम इसको, ये सीरीज है जनरल फॉर्म, सो इसमें एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट हमने लगा दिया। इसको सिंपल करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और लिमिट अगर अब अप्लाई करें तो लिमिट का आंसर वन है। तो सिंपली ये आ गया। अब ये कन्वर्जेंट होगी होगा एक्सप्रेशन अगर ये एक्स माइनस सेवन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन आए। सो लेस देन वन आए, सो यहीं से पता लग रहा है रेडियस वन होगा। इंटरवल ऑफ भी चेक कर लेते हैं। इसको सिंपलीफाई करें तो ये बनेगा, सेवन को हर हिस्से में ऐड कर दें तो हमारे पास ये बनेगा और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। यहाँ से भी अगर देखना है तो हम रेडियस देख सकते हैं, एट माइनस सिक्स लेंथ है और टू पर डिवाइड करें तो वन आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सवाल है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट 411 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये हमें चाहिए। सो जिसकी डायरेक्शन में चाहिए, पहले तो उसका हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए। सो नॉर्मल वेक्टर बनाना आसान है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 14 इंटू आई प्लस 2 जे प्लस 3 के नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब हमें ओरिजिनल जो फंक्शन है थ्री वेरिएबल का, उसका ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट आपको पता, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी से ये वेक्टर बन जाएगा। सो इसको सिंपल है, चेक कर लें। ये आपके पास आई जे और के कंपोनेंट हैं, ये ग्रेडियंट आ गया। सो यहाँ से अब हम ये पॉइंट इसमें प्लग करेंगे तो ग्रेडियंट वेक्टर हमारे पास बन जाएगा। सिंपली ग्रेडियंट ग्रेड एफ में 411 प्लग कर दें। सो अब हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा बी की डायरेक्शन में इसका फंक्शन का, वो है ग्रेड एफ। ये जो आया है इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए। इसको सिंपलीफाई करें, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल ये आप कर सकते हैं। सो ये 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट 14। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। द वेक्टर दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हमें रिक्वायर्ड है। इस शेप्स को हम टेट्राहेड्रन कहते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, उसका 1/6 पार्ट करें तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बन जाता है। सो सिंपल है, 1 ओवर 6 टाइम ए डॉट बी क्रॉस सी, हमें पता है डिटरमिनेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट अगर आप करेंगे तो वो 12 आएगा। सो 1 ओवर 6 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर।
डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, बर्नौली, पॉइजन और नन ऑफ दीज। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी फॉर्म ये होती है वाई प्राइम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और राइट साइड पे सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होता है। बर्नौली इसको एक्सटेंड करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म है कि राइट साइड पे हमारे पास वाई की पावर एन हो सकती है और एन ग्रेटर देन वन होना चाहिए। और पॉइजन इक्वेशन सिंपली हमारे पास ये है, अगर एफ जीरो हो तो ये लाप्लास इक्वेशन है। अब इसको देख लें, ये हमारे पास राइट साइड पे एक्स के साथ वाई की पावर टू है, सो ये बर्नौली इक्वेशन है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 2L इज। सिंपल है, ये शेप्स जेन में रखें, सेंटर इनके जेन में रखें, रॉड का जो सेंटर होता है हाफ ऑफ द लेंथ होता है। सो रॉड हमारे पास उसकी लेंथ है 2L तक, सो इसका हाफ अगर आप करेंगे सो सिंपली L आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है हमारे पास, सेट गिवन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। सो सेट को लोअर बाउंड को हम इन्फिमम भी कहते हैं, से जिससे सारे ही एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए सेट के। सो सेट को पहले टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, एक्स को अगर नेचुरल नंबर पे वेरीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा, नेचुरल नंबर मिनिमम वन है, वन जब प्लग करेंगे तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा, टू प्लग करने से थ्री बनेगा और थ्री प्लग करने से टू बनेगा, और इसी तरह फोर प्लग करने से फाइव बनेगा और फाइव प्लग करने से फोर बनेगा। सो ये आगे पीछे बिहेवियर है, इसको ऑर्डर में लिखें तो ये बन रहा है। अब क्लियरली सारे एलिमेंट इस सेट के जीरो या जीरो से बड़े हैं, और राइट साइड पे हमें नहीं पता, इन्फिनिटी से छोटे हैं। सो हम इन्फिमम फाइंड कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो लेफ्ट साइड से हमने देखना है, सो जीरो इसका इन्फिमम है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंटीग्रल है और सर्कल का रेडियस 2 है। सो हमें इसमें पहले सर्कल रेडियस 2 है, हमें सिंगुलैरिटीज या पोल देखने हैं इसके, जो फंक्शन का इंटीग्रेंट फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करें तो आपके पास दो पोल आ जाते हैं। अब ये इनका जो ऑर्डर है वो भी 1 है, क्योंकि फैक्टर की पावर 1 है। सो हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करने हैं ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। सो रेजिड्यू कैलकुलेट करना आसान है, ये दोनों पोल क्योंकि अंदर लाई कर रहे हैं, रेडियस 2 है इसलिए हमें दोनों पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। अगर दोनों ही सर्कल के बाहर होते तो तब हम आंसर काशे इंटीग्रल का 0 लिख सकते थे काशे इंटीग्रल से। अब रेजिड्यू हमें कैलकुलेट करना है, पहले रेजिड्यू के लिए लिमिट अप्लाई करनी है 0 पे और जेड माइनस 0 फैक्टर मल्टीप्लाई करें फंक्शन के साथ। सो ये जेड कैंसिल हो जाएगा और सिंपल है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है वेरिएबल की, और जब आप जीरो लिमिट अप्लाई करेंगे सो ये सिंपली 2 बन जाएगा। और इसी तरह 1 पे रेजिड्यू कैलकुलेट कर लें, उसमें ये फैक्टर कैंसिल होगा, ये भी सिंपल है, जस्ट प्लग करना पड़ेगा आपको नंबर, लिमिट सिंपल सी लिमिट है, ये 3 आंसर आ जाएगा। सो अब ये काशे इंटीग्रल या काशे थ्योरम कह लें, इसको रेजिड्यू थ्योरम भी कहते हैं। सो हमारे पास 2 पाई और दोनों रेजिड्यू का सम मल्टीप्लाई करना है, सो रेजिड्यू 2 प्लस 3 है, सो सिंपल करने से ये 10 पाई आयोटा आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब ये ग्रुप थ्योरी का सवाल है, ये डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है, इसका सेंटर हमने ढूंढना है इसके, और रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास ये 8 एलिमेंट बनेंगे। ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, सो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट होगी क्योंकि सेंटर इसके इक्वल आ ही नहीं सकता, ग्रुप के इक्वल नॉन अबिलियन है। अब इसमें जो अल्फा है उसका इनवर्स अल्फा क्यूब है, और अल्फा बाकी सारे आइडेंटिटी के अलावा वो सेल्फ इनवर्स हैं। सो ऑप्शन बी और सी में देखें, डिफरेंस है अल्फा और अल्फा क्यूब, अल्फा को चेक करते हैं, अगर आ जाएगा तो फिर हम अल्फा स्क्वायर को देख लेंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर सेल्फ इनवर्स है वो ऑटोमेटिकली होगा सेंटर में, जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब अल्फा को चेक करते हैं, उसके लिए ये सेंटर की डेफिनेशन है, हमने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एक एलिमेंट लिया, उससे अल्फा को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से तो बीटा आंसर आया, अगर हम राइट से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, इसको सिंपल करें अल्फा बीटा अपना ही इनवर्स है ये बनेगा, बीटा को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, और
अल्फा इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बीटा का इनवर्स बीटा है, सो राइट साइड से ये आया है, सो लेफ्ट और राइट से आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब है अल्फा नहीं आ सकता, सो ऑप्शन सी नहीं हो सकती, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये रिंग थ्योरी का सवाल है, द नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल ऑफ Z29, Z29 के प्रॉपर आइडियल हमने देखने हैं, सो 29 प्राइम नंबर है, इसके दो ही डिवाइजर होंगे 1 और 29, सो हमारे पास दो ही आइडियल पॉसिबल हैं, एक जीरो आइडियल और एक Z29 इटसेल्फ। प्रॉपर आइडियल होता है जो सेट से छोटा हो, होल रिंग से छोटा हो, सो होल रिंग Z29 से उसे छोटा जीरो ही है, तो एक ही प्रॉपर आइडियल है, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये फील्ड का क्वेश्चन है, द पावर सेट इज अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज अ यूनियन एंड मल्टीप्लीकेशन एज, इन चारों ऑप्शन से हमने देखना है। फील्ड का हमें पता है दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सो ये इसके एग्जम है। अब एडिशन हमारे पास यूनियन है और सेट है पावर सेट, सो मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन इसमें इंटरसेक्शन आएगी, सो तब ये फील्ड बन जाएगा, इसको याद रखना पड़ेगा, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है, लेट डिमेंशन ऑफ यू वेक्टर स्पेस एंड वी वेक्टर स्पेस 50, और इनके दरमियान एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू वी आर वेक्टर स्पेस सेम फील्ड सच दैट डिमेंशन ऑफ रेंज सेट, ये रेंज सेट है 15 है, डिमेंशन ऑफ नल सेट ये हमने ढूंढनी है, सो फेमस थ्योरम है, इसको हम रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं, दो वेक्टर स्पेस के दरमियान अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो रैंक प्लस नलिटी डिमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी आ जाती है। अब इसमें जो रैंक होता है वह डिमेंशन ऑफ द रेंज सेट होता है, जो नलिटी होती है वो डिमेंशन ऑफ द नल सेट होती है, सो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, सो डिमेंशन और इसमें प्लग कर दें, ये सारा कुछ गिवन है, 15 है नलिटी हमने ढूंढनी है उसकी डिमेंशन, सो नल स्पेस की, सो ये सिंपली 35 आ जाएगा, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है, सेट गिवन है मीट्रिक स्पेस रियल लाइन का, उसका ड्राइव सेट हमने ढूंढना है, सो ड्राइव सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सो हमने इसके लिमिट पॉइंट देखने, लिमिट पॉइंट मीट्रिक स्पेस में हमें जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट चेक करना हो उसके लिए हमें एक ओपन बॉल चाहिए होती है, उस पर सेंटर बना होना चाहिए, और फिर उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ लेना पड़ेगा उस सेंटर को माइनस करने के बाद, अगर कोई और एलिमेंट भी कंटेन कर गई कि वो इंटरसेक्शन जो है उस सेंटर को निकालने के बाद नॉन एम्प्टी आ गया तब वो लिमिट पॉइंट होगा। अब ये दो पॉइंट हैं, ये रियल लाइन है, 1 और 2 हमारे पास पॉइंट है, 1 को चेक कर लेते हैं क्योंकि इनके दरमियान काफी डिफरेंस है, अगर 1 लिमिट पॉइंट है तो फिर 2 भी होगा, ये दो एलिमेंट हैं, 1 पे अगर आप छोटे से छोटे रेडियस की भी ओपन बॉल बनाएं एप्सिलॉन रेडियस की, सेंटर 1 रखें तो ये बनेगी, क्लियरली इसमें 2 कंटेंड ही नहीं हो सकता 1 पे अगर सेंटर रखेंगे, सो 1 तो लिमिट पॉइंट नहीं है, इसी तरह 2 पे अगर बनाएंगे तो दूसरा एलिमेंट कंटेंड ही नहीं हो सकता कोई और सेंटर निकालने के बाद, सो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगी 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, सो दोनों ही लिमिट पॉइंट नहीं है, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर स्पेस, अब 3 ऑप्शन है रेगुलर स्पेस आपने देखनी है, रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन देखें, सेट टू बी रेगुलर स्पेस इफ फॉर एनी क्लोज सेट ए एंड पॉइंट ए, आपको पॉइंट और क्लोज सेट एक ढूंढना है, उनके लिए वो पॉइंट सेट में कंटेंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 2 ओपन सेट एग्जिस्ट करें, एक सेट को कंटेंड कर ले और दूसरा पॉइंट को कंटेंड कर ले, और दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, सो ऐसी डिस्क्रीट स्पेस में सो इजीली है आपको मिल जाएंगे, पॉइंट को कंटेंड भी कर सकते हैं क्लोज सेट, सो डिस्क्रीट स्पेस तो है रेगुलर स्पेस। अब स्पेस बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, टा 1 टोपोलॉजी है उसमें क्लोज सेट देख ले, हमारे पास ये हैं 3 क्लोज सेट हैं, अब इसमें अगर आप देखें ए और बी जो है, ए एलिमेंट हमने लिया, बी क्लोज सेट है, ए बी को, बी ए को कंटेन नहीं करता, ए तो चला जाएगा
ओपन सेट ए में, बी जाए जा सकता है सिर्फ फुल स्पेस में, लेकिन ये दोनों डिसज्वाइंट नहीं है, सो इसका मतलब है कि ये रेगुलर नहीं है ऑप्शन बी। इसी तरह ऑप्शन सी को अगर देखें, उसमें आपके पास क्लोज सेट सिर्फ बी बन रहा है। अब ए के साथ अगर पेयर बनाएं, ए तो ए ओपन सेट में चला गया, फिर बी फुल स्पेस में गया, सो ये दोनों डिसज्वाइंट नहीं है, सो ये भी रेगुलर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज अ रेगुलर स्पेस। अब ये फंक्शन एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अ नॉर्म स्पेस इफ एवरी कॉशियस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन एक्स। सो कंप्लीट नॉर्म स्पेस अगर हो, ये कॉशियस सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो कंप्लीट होगी, सो उसको हम बनाक स्पेस कहते हैं। अगर सारा कॉशियस सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो कंप्लीट कहते हैं। सो नॉर्म स्पेस बनाक स्पेस बनेगी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो हमने 20 एमसीक्यू में सारे पीपीएससी को कवर किया। आपका शुक्रिया।